सो हे गाइस, हम सभी के फोन में ऐसी फोटोज जरूर होती हैं जो कि हम लोग किसी और के साथ में मतलब शेयर नहीं कर सकते हैं, जो कि हम लोगों की प्राइवेट फोटोज होती हैं। अब वो कैसी भी फोटोज हो सकती हैं, तो आप MI के स्मार्टफोन्स में कैसे इसको सिंपली हाइड कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किए हुए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको फोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सिंपली इसको कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, अगर आप भी अपनी फ़ोटो को हाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गैलरी में जाना है और गैलरी में जाने के बाद आप यहाँ पे फोटोज़ में आएंगे डायरेक्टली, तो यहाँ से आपको सिंपली एल्बम्स में जाना है। तो एल्बम्स में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ ऊपर से आपको स्लाइड करना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये हो चुका है, ये फ़ोटोज़ जो प्राइवेट फ़ोटोज़ वाला ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपसे ये फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न मांगेगा, तो यहाँ पे आपको सिंपली अब इतना आपने मतलब इतना तो फ़ोन यूज़ करते करते आप जान ही गए हैं कि आपको सिंपली अगर कुछ पूछता है तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करके आप उसको फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पैटर्न वैटर्न अप्लाई करने के बाद MI अकाउंट पूछेगा, आप अपना MI अकाउंट लिंक कर दीजिए। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे मैंने बना रखा है तो मैं अपना यहाँ पे सिंपली पैटर्न बनाऊँगा। सो यहाँ पे मैं अपना पैटर्न बना रहा हूँ और मैंने पैटर्न अपना बना दिया है। अब ये हिडन एल्बम है, यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर की फ़ोटो यहाँ पे हाइड करके रखी है। तो यहाँ पे अब आप सिंपली यहाँ से डायरेक्टली अनहाइड कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सिंपली यहाँ से, जैसे मान लिया जाए कि मैं एक फ़ोटो अपनी हाइड करना चाहता हूँ, जैसे कि ये फ़ोटो, तो इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे जो 3 आइकन है नीचे, इस पर टैप करूँगा और यहाँ से मैं बैक जाऊँगा। तो यहाँ से मैं इसको सिंपली सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ऐड टू एल्बम पे जाके हिडन एल्बम यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन आ रहा है, तो हिडन एल्बम पे मैं टैप कर दूँगा। तो हिडन एल्बम पे मैंने टैप किया तो हाइड दिस फाइल ओके कर देना है। इसके बाद एडिंग फ़ोटोज़ आ गया, उसके बाद एल्बम्स में जाके मैं फिर से हाइड एप्लीकेशन वाला, हाइड फ़ोटोज़ वाला ओपन करूँगा और यहाँ से सिंपली अपना जो पैटर्न है उसको मैं ड्रॉ कर दूँगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हिडन फाइल है ये आ गई है। और ये मतलब इस तरीके का, मतलब अगर आप हाइड करते हैं तो मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके फ्रेंड जो फ़ोटो आपको प्राइवेट रखनी है वो लोग नहीं देख पाएंगे। तो इस तरीके से सिंपली आप फ़ोटो को हाइड कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है फ़ोटो हाइड करने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।